ये जो गाड़ियों के पीछे स्टिकर लगते हैं डॉक्टरों के समझ आते हैं, प्रेस और मीडिया के स्टिकर तो फास्टैग की तरह हर गाड़ी में लगे हुए हैं भाई, कंपलसरी ऐसा लगता है लगाना। इनफैक्ट चलो लॉयर के भी भाई 1% दबदबा फैलाने का पीछे स्टिकर, एडवोकेट का वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टिकर पीछे क्या कर रहे हैं भाई गाड़ियों के? 5 अटेम्प्ट में CPT क्लियर करने के स्टिकर मिलने लग गए क्या? और पर्पस क्या सॉल्व कर रही है स्टिकर? ट्रैफिक जाम में हमारा टैक्स भर दोगे हाथों हाथ 60 सेकंड की बत्ती पे? कोई पंगा लेगा तो उस पर 18% GST फेंक के मार दोगे क्या? लैपटॉप लाके बोनट पे बैठ जाए तुम्हारी आइडिया चेक करवाने? गाड़ी में टैक्स स्लैब लेके जा रहे हो क्या? किचन में डलनी है, रास्ता दे दें आपको? अगर इन स्टिकर का थोड़ा सा काम है वो है टैक्स भरने की डेडलाइन से 1-2 हफ्ते पहले इसको गाड़ी को लगाओ, ताकि पीछे वाले को स्टिकर देख के याद आ जाए टैक्स भरना था भाई, वरना इन स्टिकर का कोई काम नहीं है। ऐसे अच्छा बेबी ऑन बोर्ड लगा लो, थोड़ा इज्जत मिलेगी, लोग धीरे से निकलेंगे साइड से। Wait a minute. Who are you? जो कोई भी इसके बाद में CA के बारे में बोलेगा ना 10 बार सोचेगा नहीं बोलना चाहिए। किसी ने अपने बारे में बोला था किसी आर्जन ने? हम हमारी इज्जत करते बहुत है, पर हम क्या स्ट्रगल में जीते हैं, हमारी जिंदगी का प्रॉब्लम क्या है, तो दुनिया को पता होना चाहिए कि सवेरे 7 से लेकर रात को 12 तक हम करते क्या है भाई। आपको तो क्या लगता CA बन गए ऐसी 200 रुपए पूछते पे? इतनी मेहनत करे और हम उसमें CA का डिग्निटी बढ़ाएंगे। हम अपने आप को इज्जत देते हैं बिकॉज हमें पता है हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग पता है इतना बुरा लगा मुझे, हमारे समाज का एक प्रोग्राम था, आपको बताना था, मुझे इतना दर्द हुआ उस दिन, मुझे उस दिन मैंने टान लिया ये बहुत हो गया इनफ। वो क्या बोल रहा है कि इस बार जो समाज में जिनको जिन्होंने अच्छा पढ़ाई किया है उनको सम्मानित करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले जो JEE नीट में सेलेक्ट हो उनका सिलेक्शन उनका कर देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। MPSC UPSC में जिनका सिलेक्शन है उनका करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले डॉक्टर बन गएगा? मैंने कहा CA। बोले तो वो तो बहुत लोग बन जाते हैं। मैंने कहा वापस बोलिए। बोले सर वो तो क्या है उसमें इतना नहीं, मुझे बोल रहा उसमें क्या है इतना। मैंने आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? बोले तो दिमाग खराब हो ना। मैंने कहा अब वो थोड़े बड़े आदमी थे वरना मैं कुछ बोल देता उनको। आप मैंने कहा तुम करके बताओ ना यार, इतना दम है तो ये हमको पता है हमारी क्या लगती है रोज यहाँ पे सीने में हमारे दर्द है पर हम लोग जुबा पे नहीं लाते। किसको अच्छा लगता है 12 घंटे का करके दिखाए कोई इंडिया में? हमारे जो CA है CSA CW ये कोर्सेस में जो मेहनत, मुझे बताओ करके दिखाई आप 12 घंटे मेहनत यहाँ पे? हमको पता है हम अच्छा लगे ना लगे, दर्द हो रहा हो सारी मुश्किलें भुला के क्लास में आते। हमारी जिंदगी में दर्द नहीं है, दर्द सारे क्लास के बाहर छोड़ के इज्जत से आके पढ़ाई करते। हमें शाम को एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता? हमारे जिंदगी में सपने अरमान हमें कुछ भी नहीं है, मशीन नहीं साहब, हम इंसान हैं, बावजूद उसके पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं नहीं आज मैं तो यह बोल रहा हूं कि कोई इंसान CA का अगर इंटरव्यू लेना उसके दिमाग में होना चाहिए कि बहुत मेहनत करके उसने 10 लाख से नीचे पैकेज की बात ही नहीं कर रहा। अभी ये इंटरव्यू जाते हैं यार, आपको पता है MBA जो MBA किया है अनंत CA क्या? अरे क्या समझे मैं, कौन है हम यार? बोलता है MBA को पता है हाउ टू टॉक, दे नो हाउ टू सेल, और पता है उसकी सैलरी क्या करते है? अच्छे कॉलेज से MBA किया 15 लाख 20 लाख 25 लाख यहां से होती है, CA 6 लाख। अरे हमसे पूछो ना कौन सी चीज का नॉलेज नहीं हमको यार, क्या कमी है हमें? लॉ समझते, टैक्स समझते, ऑडिट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी समझते हैं। हमारी कमजोरी थोड़ी बहुत हम बोल नहीं पाते, इसका मतलब नहीं हमें नॉलेज नहीं है, हमारे अच्छाई का फायदा उठा रहा है संसार। साहब हमें अपने को सबको मिलके उसको ये बताना है कि हमने बहुत मेहनत से किया है, वो क्या हो जाता ना लोग रहते बहुत CA बन रहे, अरे ये तो देख कितने कर रहे हैं 3 लाख में से 3000 पास, तो कौन सा बड़ा काम हो गया? बोले आज तो गली गली में CA। अरे गली गली में CA नहीं है, पूरे इतने सालों से इंडिया स्वतंत्र हुआ है 1947 से, आप बताओ इतने सालों के इतिहास में 75 साल में 3 लाख CA तो कौन सी बड़ी बात है वे? 3 लाख CA इधर परसेंटेज में निकालो 3 लाख/140 करोड़ पॉइंट में भी नहीं है बे।
अरे उतने तो एक दिन में इंडिया में पैदा हो जाते बे। सही बोल रहे हैं। नहीं नहीं बाकी लोगों को है नहीं है, हमें इस कोर्स के लिए बहुत है। अब कोई इज्जत नहीं दे रहा हमें उनसे, हमको तो है बहुत गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है इस कोर्स के लिए, बिकॉज हम जानते हैं कि आईसीआई बहुत सही डिजर्विंग लोगों को पास करवाती है। लोग बोलते हैं आजकल सीए के स्टैंडर्ड नहीं, कोई भी पास नहीं, और हम देखते हैं यार अटेम्प्ट लग जाते हैं लोगों को, यहाँ चार चार पांच पांच उसको पूछो किसको भी निकालते क्या, वो उनका एक स्टैंडर्ड है। उन्होंने ऐसा पीछे बोल रहे हैं कि वो क्या लाएंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट लेकर आएंगे और उसका, अरे हमको पता है हमने क्या सा? बोले उसको भी वही काम देंगे जो सीए को, अरे क्या मजाक लगा रखा है। और हमको जब आपको ये करना था ना, तो कई सालों पहले जिन्होंने सीए के उनको पहले बोलना था कि तुम ये सब कांड करने वाले हो, कॉलेज के अंदर जाएंगे बच्चे उनको पास करवा देंगे और बोले उनको फेल ही नहीं करेंगे और उनका दर्जा वो होगा जो सीए का होगा, मतलब उनको भी ऑडिट मिलेंगे हमको भी मिलेंगे, क्या मजाक लगा रखे बे। हम लोग को पता है कि किसको आईसीए पास करता है, आईसीए के स्टैंडर्ड पे खरा उतरना बहुत मुश्किल है, किसको भी पास नहीं कराते वो लोग। तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई हमको कुछ भी बोले, पर हमें हमेशा बोलना कि हमें खुद पे नाज है, गर्व है, बाकी दुनिया के बोलने से क्या होगा। डू यू अग्री विद दिस? हमने जो जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है ना, ये बहुत कम ही लोग, वो भी इस उम्र में 18 से 19 20 साल के बच्चे जरा बाहर घूम के क्या करते हमको पता नहीं क्या, बोलने लगा है क्या अभी? हम ही वो लोग, ये दिखता सब कुछ है फिर भी इज्जत से चुपचाप आके पढ़ाई करते हैं, हमें दिखता नहीं लोग क्या कर रहे हैं बाहर, हमारा मन नहीं करता है, करता है फिर भी दिल पे पत्थर लेके हम वो करते हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। हमारे त्याग हमारे परिश्रम के बारे में सिर्फ हम ही जानते कि हमने एग्जाम जिंदगी में क्या किया हुआ है, कम से कम बाकी दुनिया, हमें तो एक दूसरे पर अभिमान होना चाहिए। अगर हमारा ही बोलेंगे कोई, आज के बाद में कोई बोले कि तुम कौन हो, तो उसको बोलना गर्व से कहो हम सीए है भाई, क्या मजाक थोड़ी ना है भाई, कौन है हम? हाँ तो हम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो ये कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे हम लोग ये सब करने वाले हैं। वहां पे डिग्निटी उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो अपने को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या होता है ना, कभी कभी हम बोल नहीं पाते हम लोग एग्जैक्टली क्या दर्द में है। सबको बताएंगे इस प्रोफेशन की डिग्निटी को और आगे ले जाएंगे, हर किसी ने बोलना चाहिए कि यार सीए तो सैल्यूट है तेरे को, चलो आगे बढ़ो।